गुड मॉर्निंग, मेरा नाम रंजीव किम सिंह है और मैं असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अरुणाचल प्रदेश। तो आप सब के लिए ये एक ज़रूरी सूचना है कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के मुताबिक सिंगल यूज़ प्लास्टिक और जो अभी प्लास्टिक को कैसे प्रॉपरली अभी मैनेज करना है वो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में दिया गया है। और लेटेस्ट अमेंडमेंट जो आया है वो है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2021 में, और वो अमेंडमेंट के मुताबिक सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को आइडेंटिफाई किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और आइडेंटिफाई करके बैन करने का जो अभी ऑर्डर निकला है। तो इसमें आपका 22 सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स को आइडेंटिफाई किया है जो अभी फेस वाइज अभी जो अभी बैन करेगा। तो ये अभी फेस वाइज बैन कर रहा है, तो अभी कुछ साल बाद, अभी कुछ महीना बाद, तो फिर अभी सेकेंड फेज भी अभी कुछ नया सिंगल यूज़ प्लास्टिक को आइडेंटिफाई करके फिर अभी बैन को और ऐसे बढ़ा भी सकता है, क्योंकि ये अभी फर्स्ट फेज में जो अभी सेंटर की तरफ से 22 सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम को सिर्फ आइडेंटिफाई किया है। और सिंगल यूज़ प्लास्टिक बोलने से ये अभी 22 आइटम का बाहर भी अभी बहुत ज़्यादा है, तो लेकिन अभी फर्स्ट फेस है बोल के अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मतलब जो जो अभी छोटा छोटा जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है और जो मतलब ज़्यादा यूज़ होता है और जो प्लास्टिक को मतलब जो रैक पिकर्स लोग हो गया, जो अभी सफाई कर्मचारी लोग जो अभी उसको कलेक्शन करने में जो ज़्यादा से तकलीफ होता है, तो वो सबको अभी फर्स्ट फेस में जो अभी 22 आइटम्स में तो फर्स्ट फेस में इंक्लूड किया है। और तो अभी उसको तो उसी के मुताबिक ये अभी पैन इंडिया ऑर्डर है, तो अभी हर स्टेट में लागू होगा। तो उसी के चलते ये अरुणाचल प्रदेश में भी हम जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से जो फरवरी से लेके जो पब्लिक नोटिस निकाल रहा है कि जो ऐसे बैन होगा बोल के, तो अभी न्यूज़पेपर में फरवरी महीना में भी निकाला, तो अभी लेटेस्ट महीना जून में भी निकाला है जो ऐसे पब्लिक अवेयरनेस के लिए निकाला है कि मतलब अभी क्या क्या बैन होने वाला है। और अभी जो अभी स्टेक होल्डर हो गया, जैसे अभी पब्लिक हो गया और जैसे अभी दुकानदार हो गया, जैसे अभी रेस्टोरेंट वाला हो गया और मॉल वाला लोग हो गया, क्योंकि ये अभी बैन अभी सिर्फ दुकानदार का नहीं है, ये अभी बैन अभी पब्लिक को भी जो अभी यूज़ करना भी अभी बंद करना चाहिए और इसको सेल करना भी बंद करना चाहिए और इसको स्टॉकिंग करना भी उसको बंद करना चाहिए। तो इसलिए अभी इसका डेडलाइन है अभी 1 जुलाई से ये पूरा अभी बैन होगा। तो इसलिए अभी 30 जून तक अभी जो भी अगर कुछ अभी पुराना स्टॉक है दुकानदार लोग के साथ जो अभी से गोडाउन में अगर कुछ माल है, तो अभी 30 जून तक वो पूरा अभी खाली करना है और वो अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सबमिट कर सकता है, नहीं तो जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी कर सकता है और ये IMC को भी कर सकता है। और 1 जुलाई के बाद में जो अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में अभी कल अभी मीटिंग हुआ था, अभी आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अभी मार्केट वेलफेयर के साथ था और जो म्यूनिसिपल का आया था, कॉरपोरेटर लोग आया था, UD का आया था, तो मतलब जितना स्टेक होल्डर है सब लोग आया था। तो कल का मीटिंग में तो फिर अभी DC साहब ने वो अभी एक अभी कमिटी बनाने का बाद है, तो अभी कमिटी बनने के बाद अभी सरप्राइज इंस्पेक्शन अभी 1 जुलाई से चालू हो भी सकता है, और 1 जुलाई के बाद तो चालू होगा ही है। तो अभी 1 जुलाई के बाद अगर कुछ अभी स्टॉक में मिलता है तो फिर अभी कोई दुकानदार के वहाँ में मिलता है, रेस्टोरेंट में मिलता है, और जो अभी यूज़ करने वाला को भी अगर कोई ऐसे दिखाई देता है तो वो अभी फ़ाइन लागू होगा। और जो अभी फ़ाइन जो है वो पूरा अभी रूल में लिखा हुआ है, जो अभी रूल से बाहर तो अभी कुछ भी नहीं है। और दुकानदार लोग का अभी ये है कि लाइसेंस भी कैंसिल कर सकता है, फ़ाइन तो लगेगा ही। और इसके साथ ही जो अभी सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, जो अभी सिंगल यूज़ प्लास्टिक बोलने से अभी प्लास्टिक कैरी बैग जो अभी बहुत लोग अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज होता है, तो अभी हम थोड़ा दिखा देगा। तो अभी जो अभी परमिसिबल है, माने जो अभी यूज़ कर सकेगा, वो अभी ये वाला है, यहाँ में लिखा रहता है जो इसका जो वो कितना से मोटापा कितना है, यहाँ में जो अभी 75 माइक्रोन करके लिखा हुआ है, तो अभी ये वाला 75 माइक्रोन से ज़्यादा वाला ही जो अभी यूज़ कर सकता है जो अभी रूल का मुताबिक। तो ये अभी 75 माइक्रोन से कम वाला सब्जी मंडी लुक में मिलता है और ये जो बहुत दुकान लुक में भी मिलता है, तो अभी ये सब तो ये पूरा अभी से बैन होगा। और प्लास्टिक कैरी बैग को छोड़ के भी अभी बहुत सारा चीज़ है, तो
वो भी हम थोड़ा सा बता देना चाहेगा। जैसे अभी डिस्पोजेबल आइटम्स है, अभी डिस्पोजेबल प्लास्टिक का है, जैसे अभी कप्स हो गया, नाइफ हो गया, स्पून हो गया, फोर्क हो गया, डिस्पोजेबल कप है, जो कप है, प्लेट है, वो भी बैन है, जो है प्लास्टिक कैरी बैग के साथ में। और प्लास्टिक फ्लैग है, जो जो है फ्लैग आता है, और उसके बाद जो अभी थर्मोकोल आता है, जो है डेकोरेशन के लिए आता है, जो अभी दुकान लोग में बहुत मिलता है, और जो है प्लास्टिक स्टिक रहता है, जो ईयरबड आता है, और जैसे बैलून का जो है स्टिक आता है प्लास्टिक का, और जैसे चॉकलेट में जो स्टिक आता है, वो सब भी बैन है। और प्लास्टिक शीट है, जो अभी प्लास्टिक शीट मतलब जो अभी पैकेजिंग करने के लिए जो अभी से ट्रांसपेरेंट जो अभी प्लास्टिक शीट मार्केट में मिलता है, वो भी ऐसे 50 माइक्रोन से ज़्यादा से पतला वाला, वो भी बैन है। तो मतलब टोटल अभी जैसे अभी हम पहले बोला है जो 22 आइटम जो अभी बैन है, तो उसमें से मेन लेकिन जो पब्लिक लोग अभी सबको जानने से ठीक है, जो अभी स्लिप प्लास्टिक कैरी बैग का ही बात करता है, लेकिन सबको जानना ज़रूरी है ये सब चीज़ बैन है। तो अभी ये सब चीज़ को अभी 1 जुलाई के बाद से यूज़ नहीं करना चाहिए। और हम अभी ये इस मौका को लेके फिर अभी हम ये बताना चाहेगा कि ये जो अभी ये जो से बैन है, ये जो अभी कैपिटल का स्लिप नहीं है, ये अभी ऑल ओवर अरुणाचल है ये बैन। तो अभी डिप्टी कमिश्नर्स तो अभी जितना भी स्टेट का है, तो अभी सबको अभी पोल्यूशन बोर्ड का तरफ से अभी बहुत लेटर पहले भी जा चुका है, तो अभी यही रिक्वेस्ट है कि अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में भी जो ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स का डीसी का तरह वहाँ भी जो मास अवेयरनेस चालू करने से ठीक है। टाइम तो अभी नहीं है, ऐसा 1 जुलाई से बैन होगा, लेकिन भी अभी चालू तो कर सकता है, वो तो लेट तो नहीं है, वो तो आप लोग वहाँ में भी अभी डिस्ट्रिक्ट में भी मास अवेयरनेस कीजिए, आप लोग पब्लिक को आप लोग से मालूम कराइए, दुकान वाला लोग को आप लोग ये से अवेयरनेस फैलाइए कि जो है बैन क्या है। क्योंकि अभी ये स्टेट का परफॉर्मेंस जो अभी ये अभी सेंट्रल लेवल में जाता है ये पूरा, और ये इसमें ये ज़्यादा ऐसे फोकस क्यों है बोलने से, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी ने 2018 और 2019 में स्पेसिफिकली जो अभी भारत की जनता से मतलब रिक्वेस्ट किया था कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक से सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ को अभी बंद करना चाहिए 2022 से। तो अभी और ये आने वाला ये इंडिपेंडेंस डे अमृत महोत्सव भी है ऐसा, तो इसीलिए जो अभी मोदी जी ने जो सबको जो है रिक्वेस्ट किया था कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का ख़त्म 2022 से करना चाहिए। इसलिए मतलब बहुत सारा कारण है जो प्लास्टिक वेस्ट का यूज़ को अभी सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ को ख़त्म करना चाहिए बोल के। तो अभी यही था कि अभी ये मैसेज अभी स्लिप कैपिटल कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं है, पूरा स्टेट के लिए है, पूरा स्टेट का वासियों के लिए है, पूरा डिप्टी कमिश्नर्स के लिए है, पूरा ये अर्बन डेवलपमेंट का जितना भी डिस्ट्रिक्ट में है सब के लिए है। सबको अभी काम करना चाहिए, मास अवेयरनेस फैलाना चाहिए और ग्राउंड में काम होना चाहिए। तो यही है मेरा जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से यही था मेरा जो मैसेज। थैंक यू।